नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जॉब नोटिफिकेशन। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि CISF में पूरे भारत के लिए वैकेंसीज निकली हैं जो कि महिला एवं पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है और इन जो जॉब्स की वैकेंसीज जो निकली हैं इसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो मैं आपके लिए बताऊंगा। तो देखते रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लिए एंड तक, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों CISF के हेड कांस्टेबल के पद के लिए 300 वैकेंसी CISF ने जारी की हैं। तो यहाँ पे 300 वैकेंसी हैं, इसके बारे में जो डिटेल होगी मैं आपके लिए बताऊंगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं टोटल पोस्ट हैं 300, टोटल पोस्ट हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 300, ये देखिए। उसके बाद में पोस्ट का जो नेम है वो है हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल की दोस्तों ये 300 वैकेंसी निकली हुई हैं। हु कैन अप्लाई में दोस्तों देखिए आप, ऑल इंडिया कैंडिडेट मतलब पूरे भारत से जो भी है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है? मेल और फीमेल दोनों ही कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से आगे देख लेते हैं यहाँ पे स्केल इसका बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, 21,700 से 69,100 रुपये पर मंथ। तो दोस्तों पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, और आगे भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये जनरल ऑब्लिक OBC कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस होगी 100 रुपये। तो जनरल या फिर OBC के जो कैंडिडेट होंगे उनकी जो एप्लीकेशन की फ़ीस होगी वो होगी 100 रुपये, और SC और ST, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। तो SC ST के जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए फ्री होगा, उनके लिए कोई भी फीस इसके लिए नहीं देनी होगी इसमें अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे CISF हेड कांस्टेबल, HC मीन्स होता है दोस्तों हेड कांस्टेबल, CISF हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की जो एज लिमिट होगी वो होगी 18 से 23 साल। तो यहाँ पर अगर आप 18 साल और 23 साल के बीच के हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों SC ST एंड OBC के लिए कैंडिडेट्स के लिए एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स। तो SC ST और OBC के लिए जितनी वो एज रिलैक्सेशन मिलेगी वो इस प्रकार है, SC और ST के लिए दोस्तों 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलेगी, मतलब 23 साल है और पाँच ईयर इनके लिए अगर रिलैक्सेशन है तो इनके लिए हो जाएगी 28 साल, और OBC के लिए 3 साल मिलेगी। तो OBC की हो जाएगी 26 साल और SC ST के हो जाएंगे 28 साल, और दोस्तों यहाँ पे जनरल के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं होता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं अभी फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, हाइट होगी दोस्तों फॉर मेल कैंडिडेट 167 सेंटीमीटर एंड फॉर फीमेल कैंडिडेट 153 सेंटीमीटर। तो मेल के लिए 167 अनिवार्य है हाइट, और फीमेल के लिए 153। और दोस्तों यहाँ पर जो चेस्ट होगा, चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए 78 सेंटीमीटर मतलब आपका चेस्ट होना ज़रूरी है, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब आपको फुलाने के बाद में अपने सीने में सांस भरने के बाद में 5 सेंटीमीटर आपका सीना जो है वो फूल जाना चाहिए। अब यहाँ पर फिजिकल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे रनिंग होगी दोस्तों, रनिंग फॉर मेल कैंडिडेट्स 3.2 किलोमीटर इन 14 मिनट, मतलब 3 किलोमीटर और 200 मीटर, मतलब 3.2 किलोमीटर की रनिंग होगी मेल के लिए पूरी करना होगा इसके लिए 14 मिनट में, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8 मिनट 30 सेकेंड में। तो यहाँ पर फिजिकल में रेस भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों ये थी CISF के बारे में जो 300 पोस्ट हेड कांस्टेबल की निकली हैं उसके बारे में जानकारी। तो दोस्तों जल्दी से आप इसमें अप्लाई कर दें, और जितनी जल्दी हो सके अप्लाई करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि पूरे भारत में ये वीडियो जानी चाहिए जिससे सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। तो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो मैं आपके लिए बता चुका हूँ, और अगर आपके लिए और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए CISF की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस भर्ती के बारे में अधिक जानकारी पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।